हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है जो 4 डे है, जो हमने 7 डे का चैलेंज लिया था मास्क लगाने का, और उसके लिए है। पर उससे पहले मैं दिखा दूँ कि आज हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब गार्डन अपडेट मैंने सोचा आपको दे दूँ, क्योंकि आज सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है काम और माली भैया लगे हुए हैं। मैं दिखाती हूँ गार्डन, यहाँ से खेत जो मतलब था, जो फसलें लगी हुई थी वो सारी साफ कर दी गई हैं, घास वो सारा साफ हो चुका है। और ये क्लैरिटी देख रहे हो आप, सिर्फ जो मेन पौधे हैं वही हैं, बाकी जगह को इन्होंने बना दिए है खेत। यहाँ पर भी ना चीज़ें बोई जा रही हैं, जिसे अभी तो भैया यहाँ पर बोकर गए हैं। ये गोभी है, मतलब ये मैंने उनसे पूछ ली थी तो मुझे तब पता चला। बाकी भी इन्होंने बीज डाले हुए हैं, अब देखो वो कब तक पौधे का रूप लेते हैं। इस गार्डन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आपने देखा एक बटरफ्लाई आई थी, ये है कि ना अभी ये गार्डन साफ हो गया तो बटरफ्लाई नहीं आएंगे, और अच्छी बात है सांप भी नहीं आएंगे यार, क्योंकि सांप आ रहे थे। पता है एक सांप का ना बच्चा हमने देखा था, और वो बच्चा के अगर है तो उसकी मम्मी भी होगी, सो इसलिए अच्छी बात है कि साफ हो चुका है काफी कुछ। ये अब लग करते हैं मास्क बनाने की विधि स्टार्ट। कर दिया हमने लॉक, तो चलिए किचन में। आज ना मैं पहले ही बोले लेती हूँ एलोवेरा जेल, नहीं तो बाद में मैं लेने जाती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आता है कि हाँ वो तो रही गई। तो पहले सारी चीजें इकट्ठी करके रख दो। मोबाइल को रखो अपनी साइड पे, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हल्दी, बता दूं मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। करना है इसे अच्छे से मिक्स। मैंने सोचा आज मैं अपने फिंगर का यूज ना ही करूं, स्पून से करूं, बट स्पून से ही अच्छे से हो नहीं रहा है। मिक्सिंग 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 काफी हद तक हो गया, बट थोड़ा सा इसमें ना पानी डालेंगे। फ्रिज फिर स्टार्ट होगी, अभी तक बंद थी।
मास्क इसके रेडी, टर्न है इसे लगाने की, तो हम यहाँ नहीं लगाने वाले, हम आए जाएंगे आगे वाले रूम में। फोन सही नहीं लग रहा यार, अच्छे से मिक्स नहीं होगा सब कुछ। चलो सेम स्टेप ही फॉलो करेंगे, सबसे पहले जहां पर डार्क स्पॉट है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा 7 डेज बाद, बट ये प्रोसेस बहुत सही है। मतलब मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले ही स्टार्ट कर लेना चाहिए था, इतने टाइम बाद में ये ना नीचे गिर रहा है। पकौड़े पकौड़े बनने वाले हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। ये बेसन की ही फ्रेग्रेंस है, जितनी स्ट्रॉन्ग है। जब मैं मतलब इसे वॉश करती हूँ ना, उसके बाद ये काफ़ी ऐसे ठंडा ठंडा सा लगता है। मे बी शायद मैं एलोवेरा जेल लगा इसमें मिक्स किया हुआ है, इस वजह से। ऐसे जब गुलाब जल भी डाला हुआ था ना, तब भी ऐसे ही लग रहा था, तो काफ़ी अच्छा फ्रेश फ्रेश सा लगता है। एज पर इंस्ट्रक्शंस नेक पे भी लगाना है। अब 15 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है और शांति से बैठ जाना है। बैठ जाना ही मतलब कोई भी काम कर लेना है, जो भी आपको ठीक लगे। सूखा बेसन खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चल रेडी, 15 मिनट्स ऐसे ही बैठते हैं, हैंड वॉश कर लूँ मैं तब तक। लगा के ना नेक पे भी लगाना है। तो आज तो मुझे ना तड़का लगाना है, अभी तो ये सूखा नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ मुझे तड़का लगाना है, तो मैं तड़का लगाती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या रिजल्ट था आज का। 7 डेज वाला तो वो तो होगा अल्टीमेट रिजल्ट। अभी ये डे 4 का है। ओके ऐसी चीजों से भी थोड़ा सावधान कि किसी और जगह ना लग जाए। तो चावल बनके हैं रेडी, दाल भी बॉईल हो चुकी है, बस अब तड़के की वेट है। आउच, सभी से मैं मिलती है 15 मिनट्स बाद। आफ्टर 4 मिनट्स बाद तो मेरा फेस कुछ इस तरह दिख रहा है, और इसी के साथ ही मैंने तड़का कट कर लिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दिया, बस तेल डाल के तड़का लगाना है।
तो 15 मिनट बीत चुके हैं पूरे और ये भी सूख चुका है, तो चलिए अब चलते हैं इसे अच्छे से वॉश करने। हाँ, ध्यान रखना है ना आपने कि ये कई बार होता है कि 15 to 20 मिनट्स भी ले जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना जब सूख जाए। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, अब मैं बिल्कुल ही वाइट हैंकी लेकर रखी। पानी है वो साफ कर लेना। और ये टैंकी येलो दिख रहा है आपको, येलो येलो हो जाएगा, तो इसलिए जो मैंने गलती की है वो आप मत करना। कोई टॉल या कोई और हैंकी जो कलरफुल हो वो लेना, क्योंकि ना मेरे पास कलरफुल वाला जो हैंकी था वो धुलने को है। जैसे कि आप 3 दिन से देख रहे हो कि मैं वही यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बहुत हो गया, आज हम दूसरा हैंकी यूज़ करते हैं। तो अभी का रिजल्ट ये है, तो आज मुझे थोड़ी कम ईचिंग हो रही है, तो फिर तो हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा ईचिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो भी फिर भी मैं इसको थोड़ा मॉइस्चराइज कर लूँगी कोकोनट ऑयल से। जैसे कि आप जान गए होंगे कि मैं इसको करने मास्क लगाने के बाद कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ, और 1 घंटे तक फेस वॉश नहीं करूँगी किसी सोप से। तो मैं आपको ना बाहर जाके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो लाइट में आप देख सकते हैं मेरा फेस का इस टाइम मतलब रियल टाइम में कि कैसा लग रहा है वॉश करने के बाद। मैं और क्लैरिटी से दिखा दूँ, तो अब टाइम है मेरे भोजन ग्रहण करने का, तो मिलते हैं कल इसी वक्त। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का। बाय, और लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके, बाय।